हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और कंपैरिजन वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ ममार्थ टी ट्री फॉर्मिंग फेस वॉश एंड बॉडी क्यूपिड टी ट्री एंड नीम एंटी एक्ने फॉर्मिंग फेस वॉश के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों ही फेस वॉश यूज़ किए हैं और आज मैं आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि इन दोनों फेस वॉश को यूज़ करने का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है और इन दोनों फेस वॉश में मुझे क्या डिफरेंस लगा है और मुझे कौन सा फेस वॉश ज़्यादा अच्छा लगा है और क्यों अच्छा लगा है। ये सारी बातें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पैकेजिंग के बारे में। सो दोनों की पैकेजिंग आप देख सकते हैं कि दोनों ही पंपिंग बॉटल में आते हैं और दोनों ही फेस वॉश बिल्ट इन फेस ब्रश के साथ आते हैं। ममार्थ फेस वॉश का प्राइस है 399 रुपीज, जिसमें आपको 150 ml क्वांटिटी के साथ 2 ईयर्स के सेल्फ लाइफ मिलती है। एंड बॉडी क्यूपिड फेस वॉश का प्राइस है 399 रुपीज, जिसमें आपको 100 ml क्वांटिटी के साथ 2 ईयर्स की सेल्फ लाइफ मिलती है। और फ्रेंड्स, दोनों ही फेस वॉश सूटेबल हैं ऑल स्किन टाइप के लिए। ममार्थ फेस वॉश पैराबीन SLS फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। और बात करें बॉडी क्यूपिड की, सो ये फेस वॉश भी सल्फेट, पैराबीन एंड सिलिकन फ्री है और दोनों ही फेस वॉश मैन एंड वेमेन बोथ के लिए सूटेबल है। चलिए अब मैं आपको इनका टेक्सचर दिखाती हूँ। सो दोनों ही फॉर्मिंग फेस वॉश है और दोनों ही लिक्विड फॉर्म में आते हैं। फ्रेंड्स, दोनों की ही बहुत कम क्वांटिटी यहाँ तक ही बची हुई है। इसमें आप देख पाएंगे, इसमें आपको इसकी क्वांटिटी विजिबल होती है। सो दोनों में ही सेम क्वांटिटी बची हुई है। ये लिक्विड फॉर्म में आता है और जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये फॉर्म बेस हो जाता है। सो सबसे पहले मैं आपको ममार्थ फेस वॉश दिखाती हूँ। सो ये ममार्थ का है एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ बॉडी क्यूपिड। सो दोनों ही फॉर्मिंग फेस वॉश है। फ्रेग्रेंस की बात करें तो दोनों की ही फ्रेग्रेंस टी ट्री के जैसी है। दोनों की ही बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है। बट फ्रेंड्स, मुझे बॉडी क्यूपिड के कंपैरिजन में ममार्थ की जो फ्रेग्रेंस है वो ज़्यादा माइल्ड लगी है। मुझे दोनों की फ्रेग्रेंस की बात करें तो मुझे ममार्थ की फ्रेग्रेंस ज़्यादा अच्छी लगी है। और आप देख सकते हैं दोनों का टेक्सचर, दोनों का कलर सेम है और दोनों ही फॉर्मिंग फेस वॉश है। और इनके मेन इंग्रेडिएंट की बात करें तो ममार्थ फेस वॉश के मेन इंग्रेडिएंट हैं नीम, टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड। एंड बॉडी क्यूपिड के मेन इंग्रेडिएंट हैं टी ट्री एंड नीम। और फ्रेंड्स, फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट इनके बैक में दी गई है। तो चलिए पहले ये फेस वॉश मैं आपको मेरे फेस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ, आप लोगों को इनके रिजल्ट दिखाती हूँ और फिर बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। फ्रेंड्स, ये दोनों फेस वॉश आपको अपने वेट फेस पर अप्लाई करने हैं। आपको इनकी थोड़ी सी क्वांटिटी इन बिल्ट इन फेस ब्रश पर लेनी है और फिर इस ब्रश की हेल्प से 1 मिनट के लिए अपने फेस पर हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। फ्रेंड्स, इन दोनों फेस वॉश के मेन इंग्रेडिएंट है नीम एंड टी ट्री। नीम एंड टी ट्री हमारी स्किन पर जो एक्सेस ऑयल होता है उसको कंट्रोल करके हमारे फेस पर जो एक्ने पिंपल होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं और हमारी स्किन पर जो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से एक्ने पिंपल हो जाते हैं ये उनको किल करते हैं। ममार्थ फेस वॉश में इन इंग्रेडिएंट के साथ है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड भी हमारी स्किन से एक्ने पिंपल को प्रिवेंट करता है। फ्रेंड्स, 1 मिनट तक मसाज करने के बाद आपको अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, फेस वॉश करने के बाद मेरी स्किन कुछ इस टाइप की दिख रही है। स्किन बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ एंड सपल लग रही है। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लिप में आपने देखा कि आपको ये फेस वॉश कैसे यूज़ करने हैं और आप लोगों ने इन दोनों फेस वॉश के रिजल्ट भी देखे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप इन फेस वॉश को परचेज करते हैं तो आप सिर्फ वीक में 3 बार, मैक्सिमम आपको 3 बार इस बिल्ट इन फेस ब्रश की हेल्प से ये फेस वॉश यूज़ करने हैं और बाकी दिनों में आपको ये फेस वॉश अपने हैंड पर लेना है और नॉर्मल फेस वॉश की तरह ही आपको इसे यूज़ करना है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की कि मुझे इनमें क्या डिफरेंस लगा है। सो दोनों ही फेस वॉश आपकी स्किन को डीप क्लीन करते हैं, स्किन से डर्ट को, स्किन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं और स्किन को क्लियर एंड हेल्दी बनाते हैं। फ्रेंड्स, मुझे पहला डिफरेंस लगा है इनके फ्रेग्रेंस का। मुझे बॉडी क्यूपिड के कंपैरिजन में ममार्थ की फ्रेग्रेंस ज़्यादा माइल्ड लगी है। हालांकि दोनों की ही फ्रेग्रेंस माइल्ड है बट ममार्थ की मुझे बॉडी क्यूपिड के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा माइल्ड लगी है। दोनों ही फेस वॉश स्किन पर बहुत ही जेंटल रहते हैं, बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होती है किसी भी फेस वॉश से। और दोनों की ही जो ये मसाजर ब्रश है बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही सॉफ्ट है, स्किन पर बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होती है। बट बॉडी क्यूपिड के कंपैरिजन में मुझे ममार्थ की जो ये
बिल्ट इन फेस ब्रश है, ये ज्यादा स्मूथ लगी है, ज्यादा सॉफ्ट लगी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का ही डिफरेंस है इनमें। नेक्स्ट डिफरेंस है, जब हम इनको फेस पर अप्लाई करते हैं तो दोनों ही स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनाते हैं। मेरी स्किन दोनों में से किसी भी फेस वॉश से ड्राई फील नहीं करती है, दोनों ही आपकी स्किन से ड्राइनेस को दूर करते हैं। यूज करने के बाद स्किन बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं करती है, 15-20 मिनट के बाद दोनों ही फेस वॉश से स्किन ड्राई फील होना स्टार्ट हो जाती है और आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। वो विंटर सीजन चल रहा है तो आप कुछ भी कोई भी फेस वॉश यूज करेंगे तो इतने टाइम के बाद तो स्किन ड्राई फील होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है स्किन को क्लियर एंड हेल्दी बनाने का। सो जब हम ये दोनों फेस वॉश यूज करते हैं तो बॉडी क्यूपिड के कंपैरिजन में ममार्थ से स्किन ज्यादा क्लियर लगती है। अगर आपके फेस पर जो दाग धब्बे हैं वो कम विजिबल होते हैं, ममार्थ से स्किन एकदम क्लियर लगती है, जैसे हम फेस वॉश करते हैं और स्किन पर एक ग्लो आ जाता है नेचुरल सा, ममार्थ से बॉडी क्यूपिड के कंपैरिजन में ममार्थ से ज्यादा ग्लो आता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट डिफरेंस है, इनका जो मेन पर्पज है दोनों ही फेस वॉश एंटी एक्ने है, कि फेस पर एक्ने पिंपल हो जाते हैं तो कौन सा फेस वॉश ज्यादा जल्दी काम करता है, ये एक पॉइंट है जो सारे ही व्यूअर्स जानना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स मेरी स्किन पर मैंने दोनों ही फेस वॉश तभी परचेज किए थे जब मेरे फेस पर एक्ने पिंपल हुए थे। हालांकि अभी भी मेरे फेस पर यहाँ एक बड़ा सा पिंपल है जो भी साइज में काफी हद तक रिड्यूस हो चुका है, पहले तो इसका साइज बहुत बड़ा हो गया था। सो फ्रेंड्स ममार्थ का जो फेस वॉश है वो आपके फेस पर एक्ने पिंपल पर काम करता है 2 दिन में। 2 दिन आप इसे डे एंड नाइट यूज करेंगे तभी आपको पिंपल का साइज काफी हद तक रिड्यूस होता नजर आएगा। वही बात करें बॉडी क्यूपिड की, सो इसको आप 3-4 डेज यूज करते हैं तब आपको लगता है कि हाँ आपके फेस पर जो पिंपल है या एक्ने है उसका साइज रिड्यूस हुआ है। सो फ्रेंड्स बॉडी क्यूपिड के कंपैरिजन में ममार्थ का जो फेस वॉश है वो एक्ने पिंपल पर ज्यादा जल्दी काम करता है, मेरी स्किन पर मैंने ये डिफरेंस फील किया है। फ्रेंड्स मेरे फेस पर यहाँ एक बहुत बड़ा सा पिंपल हुआ था और मैं करंटली बॉडी क्यूपिड का फेस वॉश यूज कर रही थी और इसको यूज करते हुए मुझे 4-5 डेज हो चुके थे और साइज मुझे हल्का सा रिड्यूस होता नजर आया था, कुछ ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगा था कि बहुत हद तक साइज रिड्यूस हुआ है, थोड़ा सा साइज रिड्यूस हुआ था। और मैंने 2 दिन अब ये ममार्थ का यूज किया है और साइज काफी हद तक रिड्यूस हो गया है, अभी तो बहुत साइज में छोटा है ये पिंपल। सो बॉडी क्यूपिड के कंपैरिजन में ममार्थ का जो फेस वॉश है वो एक्ने पिंपल पर ज्यादा जल्दी काम करता है। सो फ्रेंड्स ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं इन दोनों फेस वॉश को यूज करते टाइम। और फ्रेंड्स दोनों ही फेस वॉश स्किन पर बहुत ही जेंटल रहते हैं, बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होती है किसी भी फेस वॉश से। सो फ्रेंड्स मेरे पर्सनल फेवरेट की बात करें तो मुझे बॉडी क्यूपिड के कंपैरिजन में ममार्थ का फेस वॉश ज्यादा अच्छा लगा है, इसने मेरी स्किन पर ज्यादा अच्छे से काम किया है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि बॉडी क्यूपिड मेरी स्किन पर काम नहीं करता है, बट बहुत स्लो काम किया है, वही ममार्थ बहुत अच्छे से काम करता है और बॉडी क्यूपिड के कंपैरिजन में जल्दी रिजल्ट देता है। तो मुझे बॉडी क्यूपिड के कंपैरिजन में ममार्थ का फेस वॉश ज्यादा अच्छा लगा है। वैसे दोनों ही फेस वॉश अच्छे हैं, दोनों ही आपको रिजल्ट देते हैं, बट बॉडी क्यूपिड का फेस वॉश थोड़ा सा टाइम लेता है। फ्रेंड्स आप इन दोनों फेस वॉश में से किसी भी फेस वॉश को परचेज करना चाहे कर सकते हैं, मैंने दोनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूं कि मेरी स्किन पर ममार्थ का फेस वॉश बहुत अच्छे से काम करता है, हो सकता है कि आपकी स्किन पर बॉडी क्यूपिड का ज्यादा अच्छे से काम करे। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। फ्रेंड्स सभी की स्किन अलग अलग होती है और कोई भी प्रोडक्ट हो किसी एक की स्किन पर अलग तरीके से काम करता है और दूसरे की स्किन पर अलग तरीके से। सो मेरी स्किन पर ममार्थ ने अच्छे से काम किया तो इसलिए मैं आपको कह रही कि मुझे ममार्थ का ज्यादा अच्छा लगा है। अगर आपकी स्किन पर बॉडी क्यूपिड अच्छे से काम करेगा तो आप कहेंगे कि बॉडी क्यूपिड का ज्यादा अच्छा है। दोनों के ही लिंक मैंने नीचे डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप जिसको भी परचेज करना चाहे आप परचेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर वीडियो हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स इन दोनों ही फेस वॉश के सेपरेट में रिव्यू वीडियोज भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, अगर आप डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हैं तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, दोनों ही वीडियोज के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take care.